देखिए, जहाँ जहाँ जो सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड होती है तो वहाँ जिस भी जेंडर का बस पड़ता है, अगर अगर आदमी के पास ज़्यादा पावर है तो वो औरत का शोषण करता है, अगर औरत के पास ज़्यादा पावर है तो वो आदमी का शोषण करेगी ही। अगर सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ सेक्सुअली सप्रेशन कम है, और हमारे यहाँ की सोसाइटी में भी सेक्सुअल सप्रेशन है। हमने बहुत सारी इसके पीछे जो है कंडीशंस लगा रखी हैं, हमने बहुत सारे वैल्यूज लगा रखे हैं। हम कोई भी खड़ा होकर जज कर सकता है दो लोगों के रिश्ते को लेकर, तो ये एक हेल्दी साइन तो नहीं है। और शोषण होता है लोगों का, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और हर फील्ड में होता है, तो सिर्फ फिल्म लाइन तक महदूद नहीं है। हर लाइन के अंदर जब जब सेक्सुअल सप्रेशन रहेगा तो आदमी जो है उस उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। हाँ बिल्कुल, मैं हर तरह की मुझे लगता है कि एक फिल्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और वो अगर हो गया तो मैं ज़रूर मई जून में वो फिल्म शुरू करूँगा। और उस तरह की हार्ड हिटिंग फिल्म आपने शायद मेरे से नहीं देखी होगी, मैं उनकी हदें पार करूँगा। इससे मतलब ये अभी कैमरा चल रहा है, कैमरा नहीं होता तो मैं आपको बताता कि मैं क्या मीन करता हूँ। वो थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्म है, जर्नी की फिल्म है, और बहुत खुश हूँ मैं कि जिस तरह की कास्टिंग उसमें हुई, मिथिला आ गई एंड देन दुलकर आ गया। दुलकर जो फैंटास्टिक गाय है, बहुत चार्मिंग लड़का है, एंड अमला है उसमें, अमला को मैंने पहली बार में उनसे मिला, वो कमाला काम कर रही हैं अपनी जगह पे, और खूबसूरत फिल्म है, नई टीम है, नया यू नो तरीका है कहानी सुनाने का, बहुत मज़ेदार फिल्म। दीपिका कहने वाली बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ वो अभी इसका फाइनल वर्जन जो है विशाल साहब भेजने वाले हैं, हमारी डेट्स तय हो गई हैं और हम शूटिंग की डेट्स हमारी तय हैं, और आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो एंटरटेनिंग फिल्म है, थोड़ा उसका डार्क एरिया है उस फिल्म का, जिसमें विशाल साहब की फिल्मों में रहता है, लेकिन एक्साइटिंग फिल्म, और दीपिका का कमाल का रोल है। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। अरे अरे सर लव एंड लाते ही है सर, कॉफी किधर गया? अरे यार जो जरा दे दे यार कॉफी का, वो दे दे यार। अरे क्या ऊपर से दिखेगा यार खाली ग्लास, ऊपर से दे ना कॉफी। अरे यार कॉफी, अरे उसको कुछ तो दे यार, खाली कॉफी दे दे यार। क्या तुम एक्टिंग कब देने में, क्या खाली कब दे दो, अच्छा दिखेगा फिर तो। पहले बोला था रेडी रखो यार।